तो इंडिया में बहुत से स्टॉक ब्रोकर्स हैं और सबको रिव्यू करना ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कौन सा स्टॉक ब्रोकर क्या प्रोपोजिशन दे रहा है। आपको ऐड देखेंगे, ऑनलाइन जाएंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखेंगे कि कुछ ना कुछ लेवल पे आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि उनके साथ डीमैट अकाउंट खोलना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट हैं। अब इस सीरीज़ में, स्टॉक ब्रोकर सीरीज़ में, हम देखते हैं कि एक्चुअल में वो बोलते हैं वो सही हैं या नहीं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रो की, पूरा का पूरा तफ्तीश करेंगे कि एक्चुअल में ये ब्रोकर क्या है, किस बैकग्राउंड से आता है, जब इनके साथ कुछ एक्सपीरियंस करते हैं तो कैसा रहता है। ग्रो एक डिस्काउंट ब्रोकर है और विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ये एक टॉप 5 टॉप 3 स्टॉक ब्रोकर्स में पहुंच चुका है इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स। अब एक्टिव क्लाइंट मतलब जितने लोगों ने मिनिमम एक ट्रेड किया होता है पिछले 6 महीनों में, तो ग्रो उस केस में डीमैट अकाउंट के बियॉन्ड एटलीस्ट एक ट्रेडेड अकाउंट्स वाले उन अकाउंट्स को बूस्ट करता है। बट व्हेन इट कम्स टू अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, कस्टमर सर्विस, कितना पता है सर्विस टीम को, कितना पता है सेल्स टीम को उनके प्रोडक्ट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, उनकी ऐप के बारे में। कहीं पे जब आप ट्रेड करोगे तो आपने बहुत बार देखा होगा ऐप में फंस जाते हैं, लेकिन इस केस में आपको हर चीज़ दिखने को मिलेगी। मतलब वी विल एक्चुअली गो एंड सी द ऐप रिव्यू, सर्विस टीम से बात करने की कोशिश करेंगे, कंप्लायंस ऑफिसर से भी बात करने की कोशिश करेंगे इन केस अगर ऐसा एक्सपीरियंस होता है। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, इस वीडियो में देखिए कि ग्रो का ओवरऑल एक्सपीरियंस एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए क्या हो सकता है। ये स्टॉक ब्रोकर सीरीज का मोर ऑर लेस मोटिव है। शुरुआत एज यूजुअल हम करते हैं अकाउंट ओपनिंग के साथ। तो देखिए, हमारी टीम के कुछ मेंबर्स ने ग्रो के साथ अकाउंट ओपनिंग से शुरुआत की, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने लास्ट वीक में अपना नंबर रजिस्टर किया था ओटीपी के साथ और मैंने वेट किया कि मुझे कोई कॉल बैक आएगा अकाउंट ओपनिंग के लिए, बट ऐसा कोई कॉल बैक आया नहीं है मुझे। तो अभी मैं डायरेक्टली खुद से अपना अकाउंट खोल रहा हूँ। और ये मेरा डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है। तो कल हमने ग्रो में अपनी लीड डाली थी लेकिन हमें कोई कॉल रिसीव नहीं हुई, तो आज हम खुद जाके गूगल पे उनका अकाउंट ओपनिंग करेंगे। सिस्टम एरर आ गया है, कोई सिस्टम एरर, और हम रीट्राई करना पड़ेगा हमें, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली दोबारा 15-20 मिनट लगेंगे या उससे भी ज़्यादा। तो क्योंकि मुझे ऑलरेडी 15-20 मिनट सिर्फ वेट करते हुए ही हो गए हैं एंड ये अब भी दिखा रहा है कि कोई सिस्टम एरर है, तो मैं अकाउंट ओपन नहीं कर रही हूँ। सो ग्रो ऐप पे मैंने लीड जनरेट किया था, अभी लीड जनरेट करने के बाद मैं उनके वेबसाइट के थ्रू अपना अकाउंट बना रहा हूँ। सो यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद और वेरीफाई करने के बाद मेरा अकाउंट खुल चुका है। तो ये था अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस। अब एक बंदे से हम इसलिए नहीं करवाते क्योंकि ऐसा ना लगे कि एक पर्टिकुलर टीम मेंबर के बेस पे पूरे के पूरे ब्रोकर के ऊपर हमने कह दिया कि ये ऐसा है। तो वी टेक मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। अब अकाउंट ओपनिंग के साथ साथ आप लोगों को देखना चाहिए कि खर्चा कितना है। देखिए, फुल सर्विस ब्रोकर हो या डिस्काउंट ब्रोकर, खर्चा तो आपको ट्रेड पे लगेगा ही। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं इस केस में भी, बट ग्रो के केस में डिलीवरी इज़ फ्री। मतलब अगर आप शेयर आज खरीद के कल बेचते हैं, आज नहीं बेचते, कल बेचते हैं, कभी भी बेचते हैं, तो आपका जो ब्रोकरेज है वो जीरो रहेगा, आपको कोई रुपया नहीं देना है। ऐसे और भी ब्रोकर हैं, डिस्काउंट ब्रोकर का मोर लेस डेफिनेशन ही बन चुका है, ब्रोकरेज मॉडल ही यही होता है। तो अगर आपको अगर कोई नया डिस्काउंट ब्रोकर भी देखेंगे ना, तो वो जीरो ही ऑफर करेगा डिलीवरी में मोर लेस। तो इनके केस में भी वही है। इंट्राडे अगर आप करते हैं, आज शेयर खरीदा, आज ही बेचा, तो उस केस में आपको 20 रुपया के हिसाब से प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से लगता है। तो मतलब जब आपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, ट्रेड छोटी बात होती है, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो इस केस में 20 रुपया प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर रहेगा मैक्सिमम ब्रोकरेज। मतलब उससे कम हो सकती है बेस्ड ऑन कि आपने कितने की ट्रेडिंग की। ये आपकी ट्रेडिंग टर्नओवर का, आपने 1000 रुपये का शेयर खरीदा, 1500 का बेचा, तो आपकी टर्नओवर होगी 2500 रुपये। अब 2500 का 0.05% निकाला जाएगा, जो वैल्यू आएगी अगर वो 20 रुपये से कम है इस केस में होगी तो वो लगेगी। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान लीजिए कि आपने 10 लाख का बाय किया, 12 लाख का बेच दिया, तो उस केस में भी मैक्सिमम ब्रोकर जो होगी इंट्राडे स्पेसिफिकली विल बी मैक्सिमम 20 रुपीज़। फिर आता है F&O, फ्यूचर ऑप्शंस में। फ्यूचर ऑप्शंस में प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से आपको 20 रुपया ही देना है। यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, प्रति लॉट के हिसाब से ब्रोकरेज लेते हैं कई लोग, पर ट्रेड के हिसाब से लेते हैं, पर ऑर्डर के हिसाब से लेते हैं। पर ऑर्डर के हिसाब से अगर 20 रुपये दे रहे हैं तो सबसे सस्ता है, पर लॉट के अगर आप हिसाब से देंगे ना तो आपकी वॉट लग जाएगी। अगर आपने ज़्यादा लॉट लिए तो पर लॉट के हिसाब से बाइंग और सेलिंग के बेस पे आपको ठीक ठाक लेवल की 3-4 डिजिट की ब्रोकरेज लग सकती है, डिपेंडिंग कि आपकी ओवरऑल टर्नओवर क्या है या कितने लॉट्स आपने बाय किए। इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे STT, ये आपको डिटेल यहाँ पे टेबल पे दिखाई दे रही होगी। 0.025% आपकी ओवरऑल ट्रेड टर्नओवर का लगेगा अगर आप इंट्राडे करते हैं, 0.1% वैसे ही स्टैंप ड्यूटी। अब साथ
साथ में देख लीजिए कि बाय के टाइम पे लगेगा कई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन चार्जेज होते हैं या चार्जेज जो होते हैं वो दोनों साइड लगते हैं, बाय और सेल, कई जो होते हैं सिर्फ सेल पे लगते हैं। अब फॉर एग्जांपल डीपी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस होते हैं, ये बहुत वेरी करते हैं, एज लो एज 6 रुपये 7 रुपया पर स्क्रिप के हिसाब से। स्क्रिप मतलब कितने शेयर, कौन सी कंपनी के शेयर है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो के शेयर लिए आपको तो 3 स्क्रिप्स हैं ये, तो 3 बार लगेंगे आपको ये अलग चार्जेस इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। तो पर डे के हिसाब से भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अलावा इस पर अलग वीडियो भी किया है, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स भी पूछ सकते हैं, उस पर हम अलग से बता देंगे। बट मोर लेस मान लीजिए कि डीपी चार्जेस आपको ब्रोकर, अलग अलग ब्रोकर अलग अलग तरह से लगाते हैं, 4-5-6 रुपये से मिनिमम, 9 रुपया मिनिमम मोर लेस से लेके 35-40-50 रुपये तक जाता है। इनके केस में वैल्यू 13.5 रुपये है, तो जो आपको पर स्क्रिप्ट पर डे के हिसाब से देनी है इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स। देन ग्रो बेसिकली एक डिस्काउंट ब्रोकर है, जैसे कि आपको बताया, डिस्काउंट ब्रोकर कभी भी ब्रांच नहीं देते, ज़्यादातर केसेस में ब्रांच नहीं मिलती। जो पहले फुल सर्विस ब्रोकर था, आज डिस्काउंट ब्रोकर बन गया है, तो उसकी शायद ब्रांच मिल जाए, लेकिन जो शुरू ही डिस्काउंट ब्रोकर के तौर पे हुआ है तो उसको आपको, आप उसको ऑफलाइन प्रेजेंस के थ्रू, मतलब ब्रांच, सब ब्रोकर, AP, इन चीज़ों से नहीं मिल पाएंगे। तो इस केस में भी ग्रो में आपको ब्रांच नहीं मिलेगी। हाँ, ग्रो कुछ इवेंट्स करता रहता है, बट देन वो ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, बट उसमें दिस इज़ मोर अबाउट ब्रांडिंग, इसमें ज़्यादा दे आर ट्राइंग टू गेट इन टू दी माइंड सेट ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बट ऑफलाइन प्रेजेंस, जो आपको ब्रांच मिल जाए, यू नो, एंजल वन की ब्रांच, IIFL की, एडलवाइज की, मोतीलाल शेर खान, इनकी ब्रांच होती हैं, इनके केस में की ब्रांच नहीं होती। अब मेजर जो आजकल डिफरेंशिएटर है वो है टेक्नोलॉजी। एक ब्रोकिंग ऐप कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है, क्या उसमें कोई गिमिक्स हैं, क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या वो स्टक हो जाती है। जैसे कुछ दिन पहले एक बड़े बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर की 3 दिन के लिए ऐप चली ही नहीं थी, तो उस जैसी अगर सिचुएशन होगी ना, तो अगर आपका पोजिशन अटका पड़ा है तो आपकी वॉट लगने के पूरे पूरे चांसेज हैं। तो इसलिए ब्रोकर की ऐप को जाँचना, पकड़ना, वेरीफाई करना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप बाकी का रिव्यू ना देखें, लेकिन ये सेक्शन ज़रूर देखिएगा, चेक इट आउट कि किस तरह से हमने इसका रिव्यू किया। तो दोस्तों, ग्रो ऐप में मैंने लॉगिन किया है, मेरे सामने जब मैं एज ए यूज़र इसमें एंटर करता हूँ तो मेरे सामने निफ्टी 50 सेंसेक्स दिखाई देता है, जो कि मेजर इंडेक्स हैं स्टॉक मार्केट के। मुझे स्टॉक ये ग्रो ऐप दिखा रहा है कि ग्रो ऐप का इस्तेमाल करते हुए सबसे ज़्यादा स्टॉक कौन से बाय किए जाते हैं। ये समथिंग, दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिकॉज ये एक ई कॉमर्स ऐप की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट जाएंगे तो ये बताते हैं कि मोस्ट बॉट ऑन अमेजोन, ज़्यादातर चीज़ें जो अमेजोन पे खरीदी जाती हैं, तो ये बता रहे हैं कि हमारी ऐप में PNB और जोमेटो के स्टॉक खरीदे जा रहे हैं, आप भी ट्राई कर लो। तो दिस इज समथिंग स्ट्रेंज, क्योंकि इससे यूज़र को के बिहेवियर को मैनिपुलेट या इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। हर एक ट्रेडर का, हर एक इन्वेस्टर का अपना तरीका होता है सोचने का, लेकिन अगर आप बताओगे बाकी लोगों को, स्पेशली एक नए ट्रेडर या इन्वेस्टर को, कि बाकी के लोग क्या बाय कर रहे हैं, तो शायद भेड़ चाल के चक्कर में वो भी PNB, जोमेटो, पेटीएम जैसी कंपनी के स्टॉक बाय कर लेगा, नायका जैसे। सो इससे या तो इनके यूज़र बेस का पता लगता है कि इनका यूज़र बेस किन तरह के स्टॉक्स को बाय कर रहा है, जो स्टॉक्स फंडामेंटली चैलेंज्ड हैं आज की तारीख में, वो इनकी ऐप में सबसे ऊपर दिखाई दे रहे हैं, या तो उनका पता लगता है, या इनका खुद का पता लगता है कि ये किस तरफ यूज़र को खुद इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये पर्टिकुलर फीचर इस होम पेज में आते ही नहीं दिखाना चाहिए। F&O इंट्राडे IPO में क्या करना चाहता हूँ ये मुझे बताता है। टॉप गेनर्स मार्केट के मिड, लार्ज और स्मॉल कैप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कौन से स्टॉक न्यूज़ में है, खबरों में है, वो बता रहा है। टॉप लूजर्स बता रहा है। मेरी मार्केट वॉच लिस्ट में कौन सा स्टॉक है वो मुझे दिखाया जा रहा है। मैं टैप करूँगा तो मेरी वॉच लिस्ट खुल जाएगी, और मैं स्पेसिफिकली आगे टैप करूंगा तो मेरा स्टॉक खुल जाएगा। अब ये स्क्रिप्ट डिटेल पेज पे आ गए हैं दोस्तों हम। यहाँ पे मेरे को एक बेसिक चार्ट दिखाई दे रहा है, नॉर्मल इस स्टॉक ने परफॉर्म क्या किया है, OHLC क्या रहा है, एक्सपर्ट्स की रेटिंग, ये सब चीज़ें हैं। न्यूज़ क्या हैं स्टॉक्स को लेके, खबरें क्या चल रही हैं, इवेंट्स, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, मोर लेस पीपल सी दीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऐप्स ऑलरेडी। मैं ट्राई एंड फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मुझे कोई ऐसी फीचर दिखाई देती है इस एप्लीकेशन में जो ज़्यादातर ऐप्स में अवेलेबल नहीं है। तो दैट इज़ वेयर आई एम ट्राइंग टू गेट टू। तो मेरा होम पेज मोर लेस वैसा ही है। अगर मैं ग्रो के आइकन पे टैप करता हूँ तो ग्रो की कुछ स्टोरीज आ रही हैं, ये सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे या फेसबुक पे आप स्टोरीज देखते हैं, तो ग्रो के टैप पे मेरे को स्टोरीज दिखाई दे रही हैं। तो आई डोंट नो हाउ इट इज़ रेलेवेंट, यूज़र को कुछ इन्फॉर्म करने की कोशिश है, या जो सोशल मीडिया का उसको आदत पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे एक तरीके से मिरर करने की कोशिश की गई है इस फीचर के द्वारा। बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट, मतलब बहुत ज़रूरी जगह है ये, और यहाँ पे इतना वैल्यू स्टोरेज को देना अगेन इज़ समथिंग
विच इज़ स्ट्रेंज। हाँ, ये ज़रूर है कि वो स्टॉक की तरफ लेके जाते हैं, कोई स्टॉक का न्यूज़ दिखा दिया, फिर कह दिया व्यू स्टॉक पे, बटन पे क्लिक कर दो आप और फिर आप स्टॉक के डिटेल पेज पे चले जाओगे। तो आई गेस दिस प्रोबेबली इज़ एन एक्सपेरिमेंट दैट दे आर ट्राइंग। अगर मैं अपने यूज़र आइकन पे डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो ऐड मनी यहाँ से कर सकता हूँ। किन तरह के ऑर्डर्स हैं मेरे पास जो मैंने ऑर्डर प्लेस किए हैं, मेरी बैंक डिटेल्स क्या हैं, रेफर एंड अर्न कर सकता हूँ, मैं सपोर्ट टीम को कॉल कर सकता हूँ, ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या यहीं से कॉल हो जाएगी। मेरी क्वेरीज क्या हैं, मेरे को सेल्फ हेल्प कुछ मैं टैप करता जाऊंगा और मेरे को कुछ फैक्ट्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो ये दिखाते जाएंगे। तो आई एम नॉट श्योर कि मैं इनको फ़ोन या इनके कस्टमर सपोर्ट के साथ बात कर सकता हूँ एज ऑफ नाउ। रिपोर्ट्स आ जाएंगी मेरे पास, अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं, ऑर्डर हिस्ट्री, PNL, कॉन्ट्रैक्ट नोट मैं निकालना चाहूँ, CMR, डीमैट रिपोर्ट है, मेरे को चार्जेस देखने हैं एंड स्टफ लाइक दैट। ऊपर से नोटिफिकेशन का आइकन है, मेरा पोर्टफोलियो के बारे में बता रहा है, तो थोड़ा पर्सनलाइज्ड है, मेरे बारे में है। आप अगर ट्रेडर होंगे इनके साथ तो आपको आपके बारे में, आपके पोर्टफोलियो के बारे में ये नोटिफिकेशन टैब दिखाई देगा। सेटिंग्स हैं, मोड चेंज कर सकता हूँ। अभी तक कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है दोस्तों मुझे कि जो जो मुझे थोड़ा माइंड ब्लोइंग लगे। अभी थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफ़ी बेसिक ऐप लग रही है। F&O में जाता हूँ मैं, अगर तो मैं टैप करता हूँ तो हाँ, ऑप्शन चेन दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन चेन अगर मैं देखूँ तो मेरे को यहाँ पे एक्टिवेटेड नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बैकग्राउंड में दिख रहा है कि मेरे को कॉल और पुट ऑप्शन के प्राइस दिख रहे हैं, 3 एक्सपायरीज दिखा रहे हैं, OI एंड मेरे को प्राइस भी दिखा रहा है। अगर मैं टैप करूँ तो मेरे को ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा, नहीं तो मुझे प्राइस भी दिखाई देगा। ये प्राइस एक तरह से स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ। अगेन आई से कि थोड़ी बेसिक ऐप ही है फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। ऑप्शन चेन को और अच्छे से समझने के लिए हमारे एक और टीम मेंबर ने इसका अच्छे से एनालिसिस किया है, उसमें आप देख पाएंगे। ये मेरा होल्डिंग टैब है, मेरे जो अभी मैंने वेदांता के शेयर बाय किए थे वो मेरे को दिखा रहा है। ऑलरेडी लॉस पे चला गया हूँ, बट इट्स ओके। यहीं ऐप से मैं स्टॉक्स से म्यूचुअल फंड की तरफ भी एक तरह से टॉगल कर सकता हूँ, बट मेरा एज ऑफ नाउ ध्यान स्टॉक्स की तरफ ही है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ लेवल पे बेसिक ही रहा है। जो एक एक्सपेक्टेशन होती है एक डिजिटल मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन से, वो आज की तारीख में ग्रो में मुझे खास दिखती नहीं है। आई कुड बी रॉन्ग, बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप यूज़र हैं खुद ग्रो के तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपका एज ऑफ नाउ एक्सपीरियंस क्या रहा है और आपका खुद का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है, ये भी प्लीज़ आप में बताइएगा, ताकि बाकी यूज़र जो कमेंट पढ़े उनको भी समझ में आए कि एक बिगिनर के लिए क्या हो सकता है और एक एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर के लिए ग्रो का एक्सपीरियंस कैसा है। सो गाइज, मैं अभी ग्रो की ऐप को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। या फिर इंट्राडे ओपन करते ही कुछ लिमिटेड स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो शायद ट्रेंडिंग चल रहे हैं ऐसा कुछ है। इसमें मैंने जोमेटो का स्टॉक उठाया और इसमें जोमेटो पे क्लिक करके बाइंग या सेल का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। तो जस्ट बाय पे क्लिक करते ही इमीडिएटली यहाँ पे ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन खुल चुकी है। यहाँ पे ऑर्डर टाइप्स हैं, प्राइस, लिमिट और मार्केट। स्टॉप लॉस का भी अलग से ऑप्शन है। यहाँ पे मार्जिन मिल रहा है इंट्राडे में मुझे 5x, 10 की क्वांटिटी मैंने सिलेक्ट की है। और स्टॉप लॉस का नीचे अलग से ऑर्डर आ रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो अगर मैं कोई स्क्रिप्ट खोल रहा हूँ तो मुझे वहीं पर ही मार्केट डेप्थ और परफॉर्मेंस दिख रही है उसकी, और जिसमें फंडामेंटल रेशियोज़ भी हैं कुछ, मार्केट कैप, पी रेशियो, पीबी रेशियो एंड ऑल, और पिछले आई गेस 5 क्वार्टर्स का रिवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ। अब ये कैंडलस्टिक चार्ट ओपन हो चुका है। तो वैसे मुझे, मैं 2 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मुझे पता है प्राइस एक्शन में क्या देखना चाहिए और क्या। अगर आप एक बिगिनर हो तो आप कस्टमर केयर को भी मैं आपको दिखाऊंगा कॉल करके कि वो किस तरह से आपकी हेल्प करेगा अगर आप बाइंग एंड सेलिंग में जा रहे हो और आपको एनालिसिस करना है किसी स्टॉक का। ये तो हो गया इंट्राडे। अब मैं चेक करना चाहूँगा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो बैंक निफ्टी का मैंने ऑप्शन उठाया, पुट ऑप्शन 10 नवंबर का, उसमें बाय कर रहा हूँ। तो इस बैंक स्टेटमेंट डालने के बाद मुझे 24 घंटे भी नहीं लगे और विदिन 24 आवर्स ये एक्टिवेट हो चुका है। अगर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाता हूँ तो पहले इंडेक्स ऑप्शंस हैं जिसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड ऑल आ गया, और उसके बाद स्टॉक ऑप्शंस हैं। सो अभी हम कर रहे हैं ग्रो की ऐप को देख रहे हैं हम कि क्या है ऐप ये। तो मैंने अपना अकाउंट बना लिया है एंड ऐप खोल ली है, एंड व्हाट आई कैन सी क्लियरली इज मार्केट इंडिसेस हैं यहाँ पे, और पहले ही दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सी स्टॉक्स को बाय किया जाता है ग्रो पर। आई फील लाइक काफ़ी कंज्यूमर फ्रेंडली है ये, प्रॉपरली कोई भी यूज़र इसको यूज़ ईजिली कर सकता है। अभी मैं इसका एक बिगिनर रिव्यू देने चाहूँगा कि इसका इंटरफेस ईजी है या नहीं है किसी बिगिनर के लिए।
ग्रो ऐप बिगिनर फ्रेंडली ऐप मुझे लगा। अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, फिर भी जो बहुत ही मेन स्ट्रीम स्टॉक्स है और जो फेमस कंपनीज़ है उनके बारे में ये पहले ही बता देता है, और बाय एंड सेल का भी ऑप्शन इसमें इजी है। तो अगेन अलग अलग टीम मेंबर्स ने पूरी पूरी ऐप को खंगालने की कोशिश की अपने माइंडसेट से। किसी को कुछ बताया नहीं गया था कि आपको ये देखना है, आपको वो देखना है। सबका अपना अपना तरीका था, अपना अपना एज ऑफ नाउ की उनकी करंट अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जो ऐप को देखते हैं उस बेस पे ही इस ऐप को अप्रोच करने की कोशिश की थी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग वेरियस जरूर मिलेगा, लेकिन एक जनरल अगर रिव्यू निकाला जाए तो ये ऐप डेफिनेटली फ्रॉम ए यूआई पर्सपेक्टिव काफ़ी स्मूथ है, देखने में अच्छी है, ठीक ठाक फीचर्स हैं। बट अगेन अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं आज मार्केट पे और छः से आठ महीना हो गया, मैक्सिमम साल हो गया अगर आपको मार्केट में, तो ये ऐप में आपको दिक्कत नहीं आने वाली है एनालिसिस के लेवल पे, इन टर्म्स ऑफ दी डिफरेंट फीचर्स, नेविगेशन, इधर से उधर जाते हैं, समझते हैं आपको ऑर्डर प्लेसमेंट करना है, अलग तरह के ऑर्डर्स भी हैं, वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ है उस लेवल पे। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल की ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन चेन चाहिए, ग्रीक्स चाहिए, एनालिटिक्स देखना है कि आपका जो एज ऑफ नाउ का स्ट्राइक प्राइस है किस बेस पे आपको डिसाइड करना है, पुट एंड कॉल देखना है, आपको बहुत सारी ऐप्स देखी होंगी जिसमें हमने रिव्यू किया है, उसमें अगर आप कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं, अगर आप उसमें प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, हालांकि वो भी एक थोड़ा सा टेक्निकल साइड पे होता है, बट स्टिल वो थोड़ा सा एडवांस साइड पे चला जाता है, एक्चुअली काफ़ी एडवांस साइड पे चला जाता है। इस केस में आपको बताएंगे ये ऑप्शन चेन दे रहे हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट और फार ओटीएम भी दे रहे हैं तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो कि कुछ जैसे ज़रूरत आपको देता नहीं है उस केस में। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको एनालाइज करके, अंडरस्टैंड करके, ना सिर्फ ऑप्शंस बट इंट्राडे लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल रेशियोज भी अगर आपको लॉन्ग टर्म रिसर्च करना है, तो डिपेंडिंग ऑन के इन्वेस्टर हो, इक्विटी ट्रेडर हो, स्कैल्पिंग करते हो, ऑप्शन ट्रेडर हो, पोजिशनल करते हो, स्विंग करते हो, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, गैप अप गैप डाउन के हिसाब से खेलते हो, तो ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो इस ऐप में थोड़ी बहुत क्या काफ़ी लिमिटेशंस आपको मिलेंगी। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपका खुद का लेवल ऑफ एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट क्या है, उस हिसाब से अगर आप एक जीरो से वन ईयर्स के लेवल पर बैठे हो, विच इज़ ओके, विच इज़ ग्रेट, तो शुरुआत में आप शायद इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन आगे चल के आपको थोड़ा ट्रांजिट देखना पड़ेगा, अनलेस कि ये खुद भी अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हैं तो। हाँ, टिप्स और रिसर्च, देखिए कुछ लोगों को हेल्प चाहिए होती है शुरुआत में, और स्टॉक ब्रोकर ज़्यादातर ऑब्वियसली से भी रजिस्टर्ड होते हैं, तो इनको अलाउड है कि वो आपको टिप दे सके। ज़्यादातर ब्रोकर्स अपनी एक रिसर्च टीम बिठाते हैं, नहीं तो पार्टनरशिप कर लेते हैं किसी न किसी थर्ड पार्टी के साथ, ताकि आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लेवल पर कुछ ना कुछ टिप्स, रिकमेंडेशन और रिसर्च प्रोवाइड करते रहें। अब ग्रो एक डिस्काउंट ब्रोकर है, अगेन आपको पता होगा इसका आंसर कि डिस्काउंट ब्रोकर जनरली आपको कोई टिप नहीं देते हैं। तो इन केस अगर आपको, जैसे आप जीरो से वन ईयर के हो, बिगिनर हो, तो आपको तो हेल्प चाहिए थी ना, तो इस केस में थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है गेम, क्योंकि अगर आपको टिप्स चाहिए तो आप सीखिए दिस इज़ व्हाट द ब्रोकर और द डिस्काउंट ब्रोकर से, ये आपको टिप्स या रिसर्च नहीं देंगे। तो आप खुद से ही स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू करना पड़ेगा आपको, अगर आपको ग्रो के थ्रू ट्रेडिंग करनी है तो। अब ये सब देख लिया, अब देखना है कि ब्रोकर की जिम्मेवारी है कि कहीं आप फंसते हो कस्टमर सपोर्ट के लिए, सर्विस के लिए, तो आपको कितना हेल्प मिलता है, कितनी सपोर्ट मिलती है। अब ये तो फ़ोन करके कर सकते हैं क्योंकि ब्रांच तो है नहीं, अब फ़ोन करेंगे तो आपकी तो उम्मीद होगी ना कि एटलीस्ट बिजनेस आवर्स में जब आप फ़ोन कर रहे हो तो फ़ोन उठाएं, बात करें, आपकी प्रॉब्लम को सुने, को सॉल्व करें। अगर नहीं उठाते हैं तो हेड ऑफ़ कस्टमर केयर को फ़ोन करो, हेड ऑफ़ कस्टमर केयर का नंबर, ये सब नंबर आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाते हैं। ये नहीं उठाते हैं तो कंप्लायंस ऑफिसर को फ़ोन करो, कंप्लायंस ऑफिसर से भी खुद कहता है कि अगर कहीं अटकते हो तो कंप्लायंस ऑफिसर के साथ शिकायत करके आओ, फिर एक्सचेंज में शिकायत करो, फिर से भी को शिकायत करो। लेकिन अगर यहाँ पे कंप्लायंस ऑफिसर फ़ोन ना उठाए तो उसके बाद सीईओ का नंबर भी दिया होता है, ये एक दिस इज़ अ फॉर्मेलिटी और दिस इज़ अ मैंडेशन, ज़रूरी है एज पर द गाइडलाइंस के सारे के सारे नंबर्स देने पड़ेंगे हर एक ब्रोकर को, इनके केस में भी दिए हुए हैं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि जब हमने फ़ोन किया तो क्या रिस्पॉन्स था। तो मंडे टू फ्राइडे ग्रो का कस्टमर केयर अवेलेबल होता है एज़ पर द वेबसाइट। तो अभी 6:30 बजे हैं, मुझे पूछना है कि अगर मैं कुछ टेक्निकल सवाल पूछने की कोशिश करूँगा कि ऑप्शन चेन एनालिसिस में करना चाहता हूँ, वैसे इनकी ऐप में मुझे सिर्फ OI और LTP दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादा डिटेल है नहीं, बट होपफुली कि इनके पास एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो। मैं चेक करना चाहता हूँ कि डज द कस्टमर सपोर्ट ऑफ दिस ब्रोकर अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज ऑफ स्टॉक मार्केट इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि कई बार क्या होता है कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग क्या होता है, स्पेसिफिक्स क्या होते हैं। Hi, welcome to Groww. How can we help you today? Press 1 for account opening. Account opening. Deposit and withdrawal. Press 3 for stocks. Press 4 for mutual fund. This call might be recorded. Press 3 for stocks. तो मैं 3 नंबर दबाया है. Press 1 for order related queries. Press 2 for statements. Press 3 for keep in related queries. Press 4 for account related queries. चलो account related problem. Number 4. Press 1 to know your Demat account number.
Press 2 to know about pricing details. Press 3 to update your nominee details. Press 4 to update your contact details in your Demat account. Press 5 to update your bank details in your Demat account. Press 6 if you wish to transfer stocks from other Demat accounts to Groww account. Press 7 for all other queries. Okay. Number 7 press kar raha hoon main. Dear customer, all our customer service executives are currently busy assisting other customers. You can visit our hopeful ke uthayenge section under you section on your Groww app. देखिए ज़्यादातर दिक्कत तब होती है जब एक जो क्लाइंट है उसको उसका ऑर्डर फंसा होता है, उसको कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, ये इंतज़ार बहुत बुरा होता है। मैं कर रहा हूँ अब इनके हेड ऑफ कस्टमर केयर को 8046 नंबर यू हैव डायल्ड इज इनवैलिड नंबर ही कर रहा है। प्लीज चेक द नंबर यू हैव डायल्ड। तो ये नंबर नहीं मिला। अगला नंबर है इनके कंप्लायंस ऑफिसर मिस्टर बोधायान घोष का 8061 Hi, welcome to Groww. How can we help you today? Press 1 for account opening. ये सेम IVR जो हमने कस्टमर केयर नंबर पे देखी थी वही यहाँ पे है। इनके डेजिग्नेटेड डायरेक्टर उनका नंबर भी मिला है, वो दिल्ली का लैंडलाइन नंबर था लेकिन वो IVR पे रिडायरेक्टेड है। इट्स नो पॉइंट, सो डिसअपॉइंटेड अ बिट। तो मैंने 12:30 बजे ऑप्शंस में मैं ट्रेड करना की ट्राई कर रहा था Groww में, तो मैंने देखा कि वहाँ पे मुझे ग्रीक्स नज़र नहीं आए, तो मुझे कस्टमर केयर सर्विस को मैंने रीच आउट किया कि मुझे ग्रीक्स नहीं मिल रहे थे ऑप्शंस में, तो मैंने इनकी ऐप से कॉन्टैक्ट एंड सपोर्ट में जाके एक सेटबैक कॉल किया, कॉल बैक सेट किया था 20 मिनट का, वहाँ पे आ रहा था कि रिसीव अ कॉल इन 20 मिनट्स, और वो 12:30 बजे की बात है, अब 4:15 हो चुके हैं, मुझे कोई कॉल नहीं आया, तो मैं खुद से गूगल से इनका नंबर निकाल के इनको कॉल करूँगा। तो अभी इनको कॉल किया मैंने और इनका IVR बोल रहा है कि अभी इनके सारे कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स बिजी हैं, 7 मिनट हो चुके हैं। जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था जब मैंने अपने अकाउंट ओपनिंग के लिए बात करनी थी, तब भी ऐसा ही हुआ था कि मुझे 10 मिनट वेट करने के बाद उनसे मैं कॉन्टैक्ट कर पाया था, और अभी मुझे ग्रीक्स को लेके प्रॉब्लम थी, तो सेम इशू आ रहा है, तो मैं कस्टमर सर्विस के साथ सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मैं इसके कस्टमर सर्विस पे कॉल करके देखती हूँ और कि ये क्या कहते हैं। तो मैं Groww के सपोर्ट को कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ, बट कॉल लग नहीं रही है बिल्कुल। मैंने 3-4 बार ट्राई किया है बट कॉल नहीं लग रही है कस्टमर सर्विस की। हेल्प एंड सपोर्ट को खोलने के बाद ऊपर में सर्च बार है जहाँ पे लिखा हुआ है सर्च फॉर हेल्प, जो कि मेरा कोई क्वेरी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इसके लिए आई विल सर्च व्हाटएवर माय क्वेश्चन इज। ओके, सो मेरा क्वेश्चन टाइप करने के बाद भी यहाँ पे कोई भी रेलिवेंट आंसर नहीं आ रहे। अब देखिए ये प्रोसेस, ये अकाउंट इसी वीडियो के लिए बनाए गए थे ताकि आपको हम पूरा का पूरा जर्नी दिखा सके। अब इस केस में हमें अकाउंट बंद भी करने थे, और कई लोगों को अपने अकाउंट बंद करने होते हैं, तो वो भी एक तरीका है चेक करने का कि अकाउंट क्लोजर प्रोसेस कैसा है। तो इनके केस में हमने अकाउंट बंद करने की जब कोशिश की और इनके लोगों से बात की, इस केस में थोड़ा सा अलग एक्सपीरियंस था जो कि शायद रिलेटिवली अच्छा था। गाइज, अभी मैं Groww का डीमैट अकाउंट क्लोज करने जा रहा हूँ, तो इसमें हेल्प एंड सपोर्ट के अंदर जाके माई अकाउंट में, उसके बाद मुझे एक ऑप्शन मिला है आई वांट टू क्लोज माय Groww डीमैट अकाउंट। इनके एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जो है AMC होती है वो 0 रुपये है, तो अगर मैंने अपने अकाउंट में मतलब शेयर्स होल्ड करके रखने हैं तो उसके लिए मुझे कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। तो इसमें इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, पहले बोला होगा कि अपना जो पोजीशंस हैं उसको सबको स्क्वेयर अप करो और जितने भी अकाउंट्स मेरे होल्डिंग्स पड़ी हैं वो सबको बेच दो। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, यहाँ से जाके प्रोसेस शुरू होगी। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो पहला ऑप्शन है रिसीव अ कॉल, तो अभी मैं रिसीव अ कॉल करता हूँ फॉर नाउ। अभी 23 नवंबर है और अभी 4:45 हुए हैं और मैं कॉल बैक के लिए मैंने सेट कर दिया, देखते हैं अब कितनी देर में कॉल आता है। सो मुझे भी अपना Groww अकाउंट को क्लोज करना है, तो जैसा कि आपने देखा कि अनुराग कॉल के थ्रू गया था, तो मैं चैट के थ्रू जाके क्लोज करूँगा। सो मैं यहाँ पे मैसेज टाइप करने वाला हूँ कि आई वॉन्ट टू क्लोज माई Groww डीमैट अकाउंट। जैसा कि मैंने यहाँ पे मैसेज अपना ड्रॉप कर दिया कि आई वॉन्ट टू क्लोज माई डीमैट अकाउंट, तो ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे विल रिप्लाई मी विद इन 15 मिनट्स।
मैंने एक घंटे पहले ग्रो की ऐप में डाला था कि मुझे कॉल बैक करो अकाउंट बंद करने के लिए, तो एक ही घंटे में उनका कॉल बैक मुझे दो बार कॉल आया, मैं उठा नहीं पाया था, तो मैं उनको कॉल बैक करने जा रहा हूँ। तो एक ग्रो की डीमैट अकाउंट क्लोजिंग प्राइस काफ़ी मुझे मतलब जेन्युइन लगी, उन्होंने मुझे कन्विंस करने की ट्राई की, बट कोई ऐसा फोर्स मुझे फोर्सफुल नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा धक्का कर रहे हैं मेरे साथ। और अभी उन्होंने बोला है कि मैं मेरे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे मुझे लिंक मिल जाएगा जहाँ से मैं अपनी डिटेल्स फिल करके फिर उसको ई साइन करके और मेरा फिर ई वेरीफिकेशन के लिए मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी कि मैंने ई साइन कर दिया, मेरा फॉर्म फिल हो चुका है, और उसके बाद 7 to 10 वर्किंग डेज में मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा। और अभी इनकी ग्रो की पॉलिसी है कि अगर मैं अभी अपना अकाउंट बंद करता हूँ तो शायद मैं लाइफ टाइम के लिए कभी अपना अकाउंट ग्रो पे वापस से डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कर सकता। तो देखिए अकाउंट बंद भी कर दिया और आपने सुन भी लिया सबका फीडबैक। ग्रो अगेन क्विकली इसको अगर समराइज कर दूं तो सिंपल लॉजिक यही है कि एक बिगिनर्स के लिए स्टॉक ब्रोकर है, अच्छा लेवल पे ये स्केल कर रहा है, top 2, top 3 स्टॉक ब्रोकर्स में आ चुका है और जल्दी ही शायद ऊपर भी चला जाएगा। बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स, अब एक्टिव क्लाइंट्स बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, बट क्या वो लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं? क्योंकि हमारे केस में जैसे आपने देखा इन्होंने ना तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे ना ही सर्विस के टाइम पे फ़ोन उठाया, तो जो बात नहीं हो रही है, जिस कंपनी के साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके साथ इंट्रैक्शन नहीं हो रही है, या तो एम्प्लॉयज़ कम हैं या एम्प्लॉयज़ हैं पर इनका फोकस नहीं है कि इनको कॉल करना है, उनको एक्सपेक्टेशन है कि हम सब कुछ ऑनलाइन कर देंगे, डिजिटल कर देंगे, जरूरत ही नहीं है, विच इज़ देयर कॉल, वो सही है गलत है हर एक का अपना अपना तरीका है बिजनेस करने का, बट इनके केस में इनका यही है कि हमें शायद फ़ोन नहीं उठाना, नंबर दे देंगे, तो विच काइंड ऑफ वियर्ड है, तो नंबर ही मत दो। बट एनीवे इट्स अ डिस्काउंट ब्रोकर, प्राइसिंग आपको उस हिसाब से मिलेगी, ऐप इनका आपको जैसे बताया वैसा ही है स्पेसिफिक लेवल का, दे नीड टू गो आउट, दे नीड टू चैलेंज देमसेल्व्स, डेफिनेटली बहुत कुछ आ गया है मार्केट में, नए स्टॉक ब्रोकर्स, डिस्काउंट ब्रोकर्स भी ऐसे आ रहे हैं या अपने आप को जो ट्रांसलेट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के लेवल पे, नेक्स्ट लेवल जा चुके हैं, मतलब जा रहे नहीं हैं, जा चुके हैं। तो इस केस में ग्रो को डेफिनेटली दे नीड टू पुल अप द सॉक्स, टेक्नोलॉजी लेवल पे, कस्टमर सर्विस पे लेवल, तो बहुत कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, फ़ोन तो उठाना पड़ेगा दोस्त, चाहे आप हमें ऑनलाइन से क्वेरी करवा दें और शायद 24 घंटे के बाद जवाब दें, लेकिन वहाँ पे जाके थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है, इस केस में हुआ भी आपने देखा। टेक्नोलॉजी के लेवल पे ठीक है, बट एट द सेम टाइम देर आर फ्यू एरिया जहाँ पे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, एडवांसमेंट जैसे कि बात कर रहे हैं, एडवांसमेंट्स टुवर्ड्स द काइंड ऑफ फीचर्स, द काइंड ऑफ टूल्स, अब जेरोडा एक इकोसिस्टम बना चुका है, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स इकोसिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। अब ये जेरोडा की एडवर्टाइजमेंट नहीं है, बट टेक लेवल पे थोड़ा सा साउंड ब्रोकर है, वहाँ पे भी इशूज़ आते हैं, वो अलग से करेंगे वहाँ का उनका रिव्यू, बट वेन इट कम्स टू डिस्काउंट ब्रोकिंग तो आपको एक बेंचमार्क को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, आपको एटलीस्ट उनको बीट नहीं करना तो एटलीस्ट उनको मेंटेन, उनका लेवल मेंटेन करके रखो। इस केस में ग्रो थोड़ा सा पीछे रहता है, नंबर्स है अचीव कर लिए, प्रॉफिट पता नहीं कितना कमा रहे हैं, पैसा बहुत है इनके पास फंडिंग का, लेकिन होपफुली आगे चल के इनका एक फोकस क्लियर हो, ये हम होप ही कर सकते हैं कि ये खुद भी पैसा कमाएंगे और कस्टमर के लिए भी वैल्यू क्रिएट करेंगे फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टमर्स, नॉट जस्ट पीपल गेटिंग इनटू द मार्केट बट कीपिंग देम विद यू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, साथ में रखना भी ज़रूरी है ताकि अच्छे एक्सपीरियंस के साथ कस्टमर आपके साथ रहे, टेक्नोलॉजी के साथ वो भी इवॉल्व करे, उसको भी प्रॉफिट हो, वो भी एनालाइज करके मार्केट में एजुकेट होके करे, दैट्स अ गुड थिंग एंड होपफुली ग्रो शायद इन चीज़ों से कुछ सीखेगा या प्रॉबली दैट्स द प्लान एज वेल। नंदलेस दिस वॉज द रिव्यू दोस्तों, अगर आपको जो भी आगे करना है जिसके साथ भी अकाउंट खोलना है ना, खुद से वेरीफाई करके इन चीज़ों को वेरीफाई कीजिए, ऑनलाइन यही जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, बट ऐसे ही डायरेक्टली अकाउंट खोल दिया और पता नहीं कि आपको हेल्प मिलेगी या नहीं, फिर फंस जाओगे, अब क्या करूं यार ये तो नुकसान करवा दिया, इसका ब्रोकर की गलती था, उसने आरएम ने गलत टिप दिया मेरे को, ऐसे बहुत से रीजंस आ सकते हैं, मैंने पोजीशन लगा दी, मेरे कस्टमर सर्विस ने फ़ोन नहीं उठाया, मेरी ऐप नहीं चली, बहुत सी दिक्कतें हैं। होपफुली ये सीरीज़ आपको उन चीज़ों को क्लियर करने में हेल्प करेगी। आप कौन से स्टॉक ब्रोकर का रिव्यू चाहते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। देखिए ब्रोकर तो बहुत सारे हैं लेकिन जिसकी ज़्यादा डिमांड होगी ऑब्वियसली विल गेट दोज वीडियोज अर्लियर फॉर यू। ग्रो के स्टॉक ब्रोकर वीडियो में इतना ही, अगले एपिसोड में जल्दी ही मिलेंगे, इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बाय बाय।